हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सब लोगों का लेट्स एक्सप्लोर पे। हाँ, बहुत दिनों तक मैंने कोई वीडियो यूट्यूब पे नहीं डाला। शॉर्ट्स मैं डालता रहता हूँ। वीडियो नहीं डालने का रीज़न क्या था कि एक तो सीरियसली बताऊँ कि जॉब के साथ वीडियो एडिट करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। दूसरा क्या था कि जो लास्ट ट्रिप मैंने गोवा का किया था, उसके बाद मैंने कोई वीडियो चैनल पर नहीं डाली, क्योंकि गोवा ट्रिप थोड़ा सा तो नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा हैक्टिक रहा। बहुत परेशानी मेरे को हुई गाड़ी को लेके। स्पेशली हुआ क्या था कि गोवा से मैं वापस आ रहा था, तो आई थिंक अभी गोवा से निकला ही था। गोवा से मेरे को कारवार होके वापस बैंगलोर आना था, तो कारवार के नियर बाय गाड़ी में OBD लाइट ब्लिंक की, ब्लिंक नहीं की परमानेंटली ऑन हो गई। तो मैंने एज यूजुअल, जो लोग महिंद्रा XUV चलाते हैं उनको पता है कि इसमें बहुत सारे सेंसर्स हैं और सेंसर्स में बहुत प्रॉब्लम आती है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बेसिकली होती ही है, कोई भी कोई LED कभी कोई कुछ प्रॉब्लम, कहने का मतलब है कि इट्स अ नॉर्मल थिंग। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्या हैं, दे आर वी कैन से इट्स अ काइंड ऑफ माल फंक्शनिंग ऑनली। तो मैंने क्या किया कि उस टाइम पे क्योंकि बहुत दूर थे, नियर बाई वर्कशॉप नहीं थी, तो मैंने वर्कशॉप में मीन्स सरीश ऑटोमोबाइल में कॉल किया। तो उन्होंने मेरे को गाइड किया कि गाड़ी को पहले साइड में लगाइए, एक बार बैटरी टर्मिनल रिमूव करके देखिए, उसको थोड़ा सा वेट कीजिए, 5-10 मिनट वेट करिए, फिर से बैटरी टर्मिनल को वापस लगाइए। उसके बाद भी अगर लाइट ब्लिंक हो रही है, लाइट फिर से भी ऑन हो रही है, लाइट क्लियर नहीं हो रही है, तो आप गाड़ी को प्लीज़ मत चलाइए, यू जस्ट वेट देयर और नियर बाई सर्विस सेंटर का हम उतनी देर में पता करते हैं। तो जब तक उन्होंने सर्विस सेंटर का पता किया, मैंने अपना बैटरी टर्मिनल रिमूव करके वापस लगाया, बट वो लाइट नहीं गई। और वर्कशॉप वाले ने बताया कि नियर बाई सर्विस सेंटर जो है वो पंजी में है, जहाँ पे मैं गाड़ी में लाइट ब्लिंक हुई थी, लाइट ऑन हुई थी, वहाँ से पंजी अप्रॉक्स मेरे ख्याल से 60-70 किलोमीटर के अराउंड था। तो अब इतना नहीं जा सकते थे, मैंने रोड साइड असिस्टेंट्स को फ़ोन किया, RSA को कॉल लगाया, RSA ने रिस्पॉन्ड किया, बट ओवरऑल करने के बाद, चेकअप करने के बाद, इट वाज लाइक कि गाड़ी में कोई मेजर फॉल्ट नहीं है। जो भी मेरी मैकेनिक से बात हुई, जो कुछ भी, उन्होंने बोला कि आप गाड़ी को 5-10 किलोमीटर चला के देखो, अगर गाड़ी में कुछ हैवीनेस, क्लच हैवी या कुछ आपको ऐसा फील होता है तो गाड़ी को वहाँ पे रोक दीजिए। अब गाड़ी में मेरे को स्टेयरिंग के इनपुट में कोई प्रॉब्लम नहीं था, गाड़ी के एक्सेलरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं था, गाड़ी की ब्रेकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं था, सब कुछ सही चल रहा था। बस एक ही प्रॉब्लम था, लाइट ऑन हुआ। मैं शायद इस क्लिप के पहले या बाद में वो क्लिप डाल दूंगा। उस टाइम मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरा दिमाग वैसे बहुत ख़राब चल रहा था, समझ नहीं आ रहा था करना क्या है। तो गाड़ी लेके मैं वर्कशॉप आ गया, वर्कशॉप वालों ने डायग्नोस किया। तो डायग्नोस करने के बाद पता चला कि गाड़ी की जो थ्रॉटल बॉडी है उसके सेंसर में कुछ प्रॉब्लम है, थ्रॉटल बॉडी में ही प्रॉब्लम है। अब थ्रॉटल बॉडी में प्रॉब्लम है तो जैसा मैंने, आपने शायद जो मेरे चैनल पर रेगुलर जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मैं सरीश ऑटोमोबाइल में सर्विस करवाता हूँ अपनी गाड़ी की, बैंगलोर में जो मरथल्ली के पास है। और एज़ यूजुअल मेरे को उनके वहाँ कुछ बोलना नहीं पड़ता है, सिंपली जाके गाड़ी को लेके जाओ, अपना प्रॉब्लम बताओ, तो बैकएंड टीम पूरी काम में लग जाती है। और विद इन आई थिंक 30 मिनट उन्होंने डायग्नोस करके दे दिया कि कहाँ पर प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम है, और विद इन 1 आवर उन्होंने गाड़ी को ओके करके दे दिया, थ्रॉटल बॉडी चेंज कर दिया। थ्रॉटल बॉडी चेंज किए हुए हो गए मेरे ख्याल से 10-15 दिन तो हो गए हैं गाड़ी को चलाते हुए। तो उसके बाद अभी भी कोई भी लाइट ब्लिंक अभी नहीं की है, कोई भी OBD लाइट ब्लिंक नहीं की है, कोई भी OBD लाइट ऑन ही नहीं हुआ है, ब्लिंक तो छोड़ो मैं कुछ नहीं हुआ है। सो हम मान के चल रहे हैं कि प्रॉब्लम मेरा जो प्रॉब्लम है ये फिक्स हो गया है। तो मैं क्लिप इसमें डाल दे रहा हूँ, आप लोग भी देखिए। यहाँ पर आप देखिए OBD लाइट ब्लिंक हुई है। ये मैंने उस टाइम पे एक्चुअली फ़ोटो क्लिक किया था जो कि मेरे को वर्कशॉप में दिखाना था, और वर्कशॉप में दिखाने के बाद मैंने जो क्या बोलते हैं इसको RSA को भी यही पिक्चर्स शेयर किया था जो लाइट मेरी ब्लिंक कर रही है। वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि वर्कशॉप में नॉइस बहुत ज़्यादा थी। ये आप देख पा रहे हैं, ये है थ्रॉटल बॉडी, तो इसकी थ्रॉटल बॉडी बाहर ही है। जनरली मैंने दूसरी गाड़ी में देखा थ्रॉटल बॉडी काफ़ी अंदर होती है,
तो ये डीजल कार गाड़ी है मेरी, तो इसमें थ्रॉटल बॉडी ये रही। अब इस थ्रॉटल बॉडी को बेसिकली चेंज करेंगे, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो ये हॉर्स पाइप या कौन सा पाइप होता है इसको रिमूव किया। एक चीज़ मैंने और नोटिस किया, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं कार्बन या धुआं या जो भी है उसके अंदर जमा हुआ था। तो मैंने पूछा उनसे, देवर सेइंग दैट कि ये कॉमन चीज़ है, जैसे बटरफ्लाई के ऊपर आप देख पा रहे होंगे बहुत ही काला काला सा दिख रहा है। और अभी मैं आपको दूसरी बॉडी दिखाता हूँ, ये वाली। अब इसमें देखिए ये नया वाला है, इसमें ये बटरफ्लाई है जो बीच में आपको दिख रही है, इसका कलर देखिए। और एक्चुअल में जो गाड़ी में लगी हुई थी बटरफ्लाई, उसका कलर बहुत चेंज हो गया, तो कार्बन डिपॉजिट बहुत ज़्यादा है। तो जो भी मैकेनिक था, मैकेनिक ने बोला कि इट्स अ कॉमन थिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी डीजल गाड़ियों में ये ऐसा ही होता है, तो इट्स ओके। गाड़ी के आज के डॉक्टर साहब जो कि रिप्लेस कर रहे हैं थ्रॉटल बॉडी। ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको रिप्लेस करने का, जल्दी रिप्लेस हो जाता है। वो साहब तेरा अपडेट करना ओके, तो ये नया है ना, हाँ प्रोग्राम करना। ओके, तो आप प्रोग्राम करोगे, कौन करेगा? मैनेजर साहब करेगा। ओके, रिव्यू होता गुड। यहाँ पर मैं सेकंड की प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूँ, मेरी गाड़ी की सेकंड की भी आ गई है। इसके पीछे भी एक बहुत लंबी स्टोरी है, बहुत ज़्यादा मेरे को अपना जहाँ से मैंने गाड़ी परचेज़ किया है, बहुत मेरे को उनसे बहस समझ लो, लड़ाई समझ लो, जो मर्जी समझ लो, वो सब करना पड़ा। एट लास्ट मेरे को गाड़ी को मीन्स की को, सेकेंड की को यहीं वर्कशॉप में बुलाना पड़ा। सेकेंड की को मेरे को चंडीगढ़ से बेंगलोर वर्कशॉप बुलाना पड़ा, सरीश ऑटोमोबाइल में। फिर यहीं पर सरीश ऑटोमोबाइल वालों ने ही मेरी सेकंड की प्रोग्रामिंग की है, और कैसे क्या क्या हुआ था वो मैं आप लोगों को किसी अलग वीडियो में ज़रूर एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूँगा कि डिफरेंट वर्कशॉप में, या ये समझ लो कि चंडीगढ़ वर्कशॉप में मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। Huh? You are putting both key there. Why? Signal. Huh? No, signal, sir. From where? That is for key for key. Uh-huh. There's, there is a copper to signal tech. Where in that? Nearby that okay. In that gold chip file. Seriously? Yeah. I was thinking like it's a coin tray. तो जैसा आपने वीडियो में देखा, इसकी थ्रॉटल बॉडी चेंज वर्कशॉप वालों ने करी, सेकंड की प्रोग्रामिंग करी। लकली गाड़ी चलाते हुए काफ़ी टाइम हो गया मेरे को थ्रॉटल बॉडी चेंज की हुए, अभी तक कोई भी ओबीडी लाइट या कुछ भी ऐसा ब्लिंक नहीं हुआ है। एक मेरे को चीज़ लगता है कि गाड़ी में स्पेशली जिनके पास महिंद्रा है या जो भी आज के टाइम में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियाँ आ रही हैं, ओबीडी स्कैनर आई थिंक हम लोगों को अपनी गाड़ी में रखना चाहिए, जिससे एटलीस्ट हम लोग कोड रीड करके या कोड का स्क्रीनशॉट लेके वर्कशॉप वालों को भेज सकें, और प्रॉब्लम कितना सेवियर है, कितना मींस उस जो भी हमारे पास इश्यूज आ रहे हैं, जो भी लाइट आ रही हैं, वो लाइट कितना सीरियस है, उसको देख के हम लोग वर्कशॉप को दिखा सकें, और अगर सीरियस नहीं है तो एटलीस्ट उस पर्टिकुलर सिचुएशन से हम वहाँ से निकल सकें। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ हम लोगों को या रखना चाहिए। तो मैं देख रहा हूँ अमेज़ॉन से, अगर मैंने परचेज़ किया तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूँगा। तो सेकंड की भी प्रोग्रामिंग हो गया, प्रोग्रामिंग कर दिया इन्होंने, तो बोथ कीज़ आर वर्किंग नाउ। तो महिंद्रा वालों से जो कुछ भी मेरे को चाहिए था, लाइक सिक्वेंशियल इंडिकेटर, सेकंड की, वो सब कुछ डिलीवर्ड हो गया है। सो इतना ही आज का वीडियो, और कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो को अब वीक में दो।
दो वीडियो कोशिश करेंगे डालने की, नहीं तो एक वीडियो तो डेफिनेटली वीकली आएगी। और कोशिश करेंगे वीडियोज़ को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रखने की और वीडियोज़ को छोटा रखने की। सो कीप सपोर्टिंग गाइस। नाउ आप सब लोगों का थैंक्स भी करना है, बिकॉज नाउ वी आर 650 प्लस। नाउ हमारा परिवार, यूट्यूब की फैमिली बड़ी हो रही है, अच्छा लगता है। सब लोग जुड़ रहे हैं, हमारी वीडियोस को अप्रिशिएट कर रहे हैं, वीडियोस अच्छी लग रही हैं। और अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हम लोग केरला घूमने जा रहे हैं, कोयम्बटूर जाएंगे घूमने, और वो वीडियोस भी आपको आई होप अच्छी लगेंगी। ओके, टिल देन बाय, कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग।